हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई डोरमेंट्री में। भाई फिलहाल मैं अभी हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की डोरमेट्री का। भाई अभी मैं होके आया हूँ, वैसे मैंने चेक इन कर लिया है, लेकिन मतलब बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है भाई कि हज़रत निज़ामुद्दीन की जो डोरमेट्री है वो भाई कुछ ऐसी होगी। चलो कोई बात नहीं, जितना होता है मैक्सिमम मैं आपको दिखाऊंगा। और मतलब मुझे तो भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मतलब अजीब सा ही, मतलब वहाँ की ना अजीब सी वाइब्स है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एंट्रेंस करनी है और कहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिलेगी और डॉर्मेट्री अंदर से कैसी है। तो चलो चलते हैं डॉर्मेट्री के अंदर और करते हैं रिव्यू डॉर्मेट्री का हज़रत निज़ामुद्दीन का। ये भाई हज़रत निज़ामुद्दीन का गेट नंबर 2 है, यहाँ से आपको एंट्रेंस लेनी है डॉर्मेट्री के लिए। ये सीधा यहाँ से एंट्री करके और यहीं से ही फर्स्ट फ्लोर पे इसके डॉर्मेट्री है। तो चलो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको डॉर्मेट्री कैसी है। ये भाई सामने जो है मे आई हेल्प यू का काउंटर है, ये ग्लास वाला। आपको पहले यहाँ से एंट्री से, ये भाई इसकी एंट्रेंस है और यहाँ एंट्रेंस है इसके बराबर में भाई आप पूछेंगे, और यहाँ से भाई लिफ्ट होगी। लिफ्ट से भाई आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, और भाई जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने राइट हैंड साइड जाना है, और राइट हैंड साइड जाते ही आपको मिलेगा ये एसी डॉर्मेट्री का जो बोर्ड है, और जस्ट इसके बराबर में है ये एसी की डॉर्मेट्री। मैं आपको दिखा दूँ अंदर से कैसी है, और इसका फर्स्ट फ्लोर जो है भाई कुछ ऐसा है। और भाई ये है अंदर से डॉर्मेट्री, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर ही जो डॉर्मेट्री है वो भाई कैसी है। ये देखो, ये है कुछ ऐसी डॉर्मेट्री भाई अंदर से, जो हज़रत निज़ामुद्दीन की जो डॉर्मेट्री है। आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब आपको 8 बेड जो है भाई यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डॉर्मेट्री के। आपको जब भी आना है चेकिंग के लिए नीचे से मेरी हेल्प जो काउंटर है वहाँ से भाई चेकिंग के बाद आपको सीधा यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको वो रिसीट देनी है जो मैंने आपको दिखाई है, ये रिसीट आपको यहाँ पे देनी जिससे कि चेक इन होगा, और उसके बाद भाई आप अपना जो यहाँ पे डॉर्मेट्री का जो एक्सेस है वो ले सकते हैं। ये बेड हैं, और मैं भी दिखाता हूँ आपको जो टॉयलेट्स हैं यहाँ के वो टॉयलेट्स कैसे हैं। ये है भाई जेंट्स का टॉयलेट वॉशरूम, यहाँ पर अगर हम इसकी एंट्री करें तो भाई एंट्री करके ये देखो, मतलब भाई मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यार, मतलब ऐसा कुछ हमें यहाँ पे वॉशरूम देखने को मिलेगा। भाई गंदगी थोड़ी सी है यहाँ पे, मतलब वो वाला मज़ा नहीं आया भाई। और ये यहाँ पे मिरर, ये 2 वॉश स्टेशन। अंदर अगर मैं टॉयलेट की बात करूँ तो भाई सिंगल यहाँ पे वॉशरूम बाथरूम और एक ये वेस्टर्न पॉट यहाँ पे दिया गया है, और ऐसा कुछ भाई व्यवस्थित है, मतलब टैप देखो भाई क्या हालत है। समस्या ये है कि यार ये राजधानी की जो डॉर्मेट्री है, राजधानी के स्टेशन की डॉर्मेट्री है, इसलिए ये इतनी ख़राब है। अदरवाइज़ अगर ये किसी अदर स्टेट की होती तो एक बार को एडजस्टेबल थी कि चलो ठीक है यार, लेकिन यहाँ पे भाई ये हालत कुछ ऐसी है डॉर्मेट्री की। ये देखो वेस्टर्न पोर्ट देखो भाई, ये देखो जाली देखो पूरी टूटी पड़ी है। और ऐसे ही अगर वॉशरूम के मैं वहाँ पे दिखाऊँ, ये एग्जॉस्ट, और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो पानी देखो कैसे गिर रहा है, मतलब पूरी गंदगी, पूरा फ्लोर नीचे पूरा गंदा है। और ये देखो भाई पूरी गंदगी यहाँ पे मची हुई है। तो यार ये यहाँ पे मतलब मुझे भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन की जो डॉर्मेट्री है वो कुछ ऐसे होने वाली है। और वॉशरूम से तो भाई साहब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ऐसे ही सेम बाहर जो है भाई जो जहाँ पे हमारे बेड हैं वहाँ भी ऐसा ही है, मतलब साफ़ सफाई तो हालांकि मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मतलब जैसे हम और डॉर्मेट्री, जैसे हम अभी लास्ट हमने की थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की डॉर्मेट्री, भाई उसकी जो साफ़ सफाई थी वो एक अलग ही लेवल पे थी। जैसे हमने जयपुर की थी वो भाई अलग लेवल पे थी, झांसी की थी वो भाई बिल्कुल अलग लेवल पे थी, मतलब डॉर्मेट्री के यार एग्जांपल सेट किए हैं लोगों ने। लेकिन यहाँ पे जो है भाई समस्या ये है कि यार कि मतलब राजधानी है ना, राजधानी के रेलवे मेन स्टेशन में आता है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और उसकी डॉर्मेट्री ऐसी है, ये अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल भी। ये भाई हमारा बेड है जो हमें आज अलॉट हुआ है, और इसकी हालत देखो भाई, मतलब पिल्लों की हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यूज्ड पिल्लो है। और भाई इसको
चेंज नहीं किया गया है, और चादर में सलवटें देखो कैसे पड़ी हुई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पूरी जो चादर है ये पूरी यूज चादर है, और मतलब इतनी साफ भी नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है भाई कि ऐसी भाई डॉर्मेट्री यहाँ पे होगी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। ये देखो, तो भाई ये थी हज़रत निज़ामुद्दीन की डॉर्मेट्री, जो भाई मतलब मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यार, मैं आपको सच बताऊं, मतलब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजधानी के अंदर भाई ऐसी डॉर्मेट्री भी यहाँ पे होगी, मतलब कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है यार। अंदर मैंने आपको दिखाया, मतलब पूरी जो डॉर्मेट्री है भाई उसमें सिलन सिलन रखे, दो उसमें ए सी लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात भाई यहाँ पे कोई लॉकर फैसिलिटी नहीं है कि अगर आपके पास कोई सामान है, कोई लगेज है, तो भाई आपके पास यहाँ पे उसको लॉक करने के लिए कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी, आपको अपने सामान का खुद ही ध्यान रखना है। अदरवाइज़ जो और जो डॉर्मेट्री है उसमें भाई आपको लॉकर मिल जाता है, अपना लॉक लगा के आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है भाई आपको लॉकर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे भाई एक सबसे बड़ा डीमेरिट है, और सबसे बड़ी बात भाई यहाँ पे जो इसके जो टॉयलेट्स हैं वो भाई इतने गंदे हैं, मतलब मैं आपको बताऊँ मेरा यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं किया कि यहाँ पे मैं कुछ समय के लिए भी यहाँ पे रुक जाऊँ, इतनी बुरी व्यवस्थित है। पूरी जो दीवार है भाई इस पर सीलन आ रखी है, और जो चादर थी भाई वो ऐसा लग रहा था जैसे यूज़ चादर है, वो जो पिल्लो था भाई ऐसा लग रहा जैसे पूरा पूरा यूज़ है, वो है ना। वो तो मैं आया तो मैंने देखा, मैंने उनको बोला मैं भाई ये तो ऐसा लगा जैसे यूज़ है, कह रहे नहीं भैया ये लगा, लेकिन देखने में तो लग रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था पूरी पूरी जो चादर है वो पूरी चादर जो है वो भाई यूज़ की हुई है, पिल्लो यूज़ किया हुआ है, उसको चेंज ना करके इसको पूरा का पूरा ऐसे कैसे दोबारा से उस पर वहाँ पर डाल दिया गया है। तो भाई मतलब अनएक्सपेक्टेड है यार, हज़रत निज़ामुद्दीन जो कि मेन स्टेशन में आता है राजधानी के हमारे देश की, वहाँ पे भाई ऐसी व्यवस्था होगी ये भाई मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे उम्मीद नहीं थी। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो है भाई यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे जो डॉर्मेट्री है वो आपको बुक करनी पड़ेगी। अभी तक जो हमने यहाँ पे डॉर्मेट्री की हैं इंडियन रेलवेज़ के अंदर, तो भाई अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे आज उस वाली डॉर्मेट्री की याद आ गई जो हमने नागपुर में की थी। जैसे नागपुर में व्यवस्था थी ना, सेम ऐसी व्यवस्था भाई हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे डॉर्मेट्री पे है। तो भाई ऐसी कुछ व्यवस्था है, सारी दीवारों पर सिलन है, चादर भी यूज़ की हुई थी, है ना, लोकर सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स में देखो भाई क्या बुरा हाल मचा हुआ था टॉयलेट्स का, मतलब उसको यूज़ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, और गंदगी और कूड़ा तो भाई वहाँ पर था ही था, और पानी में जो लीकेज वहाँ पर थी बाथरूम के अंदर पूरा फ्लोर गीला था, मतलब मज़ा नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, जैसी भी है मुझे लगता है शायद रेलवे को भाई इसके अंदर सुधार करना चाहिए, क्योंकि मेन स्टेशन में आता है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और भाई अभी देखो थोड़ी बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है, बारिश हो रखी है, आज सुबह से ही लगभग 10-11 बजे के आसपास से भाई दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है, और मैं उस टाइम का यहाँ पे अभी मेरी ट्रेन आई थी तो भाई मैं यहाँ पे था, तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं एक बार डॉर्मेट्री का रिव्यू करते हैं। जैसी भी है आपको सबको पता लगे भाई हज़रत निज़ामुद्दीन पे कैसी है डॉर्मेट्री। आने से पहले भाई एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद भाई आप चूज़ कीजिएगा आपको डॉर्मेट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो चलिए भाई कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको हज़रत निज़ामुद्दीन की डॉर्मेट्री कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, भाई आपके लिए इतनी बारिश में भाई डॉर्मेट्री का रिव्यू कर रहा हूँ तो भाई एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।